मृत्यु की परीक्षा में एक बूढ़ी स्त्री की लंबी कहानी ए लड़की, अर्जुन सिंह रंगोत्सव में शामिल हुए पूर्व नेता अजय सिंह, आज होगा तितली का मंचन उज्जैन। मृत्यु की परीक्षा में एक बूढ़ी स्त्री की लंबी कहानी ए लड़की का मंचन शुक्रवार को कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल में हुआ। नजदीक आती मृत्यु की उसमें कोई भय नहीं, बल्कि मानो फिर से गिरती घुमरती सारी जिंदगी एक निर्भय न्योता है कि वह आए उसके लिए पूरी तैयार है। यह कथा अपनी स्मृति में पूरी तरह डूबी स्त्री का जगत छोड़ते हुए अपनी बेटी को दिया निर्मोह का उपहार नजर आई है। ये लड़की कविता के इलाके से गत का मृत्यु के क्षेत्र से जीवन को चुपचाप उठाकर लाया सहेजा गया अनुभव रहा है। सांस्कृतिक संस्था अभिनव रंग मंडल उज्जैन इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश नाट्य समारोह अर्जुन सिंह रंगोत्सव में शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने दीप प्रज्वलन कर नाट्य मंचन का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, कांग्रेस नेता बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। अभिनव रंग मंडल प्रमुख शरद शर्मा के अनुसार संस्था द्वारा अर्जुन सिंह के सांस्कृतिक योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उनकी स्मृति में आयोजित नाट्य समारोह में लेखिका कृष्णा सोपती द्वारा रचित ए लड़की नाटक का मंचन अयाज खान के निर्देशन में परिवर्तन समूह ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज 23 नवंबर को पंकज सोनी द्वारा रचित तितली नाटक की प्रस्तुति सचिन वर्मा के निर्देशन में नाटक गंगा छिंदवाड़ा द्वारा मंचित की जाएगी। समारोह की समापन संध्या 24 नवंबर को वरिष्ठ रंगकर्मी शरद शर्मा के निर्देशन में साथ लेखक मोहन राकेश की अमर रचना लहरों के अभिनव रंग मंडल उज्जैन इंदौर द्वारा किया गया। रिपोर्टर राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा आपका, कार्यक्रम कैसा है? क्या शरद जी ने दाजी के नाम पर तो यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इनकी और इनके सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पिताजी कला प्रेमी थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान अपनी कला के क्षेत्र में बनाई थी। उन्हीं से जुड़े हुए शरद जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कला को आगे बढ़ाने में अपना प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में और भी कहीं ऐसे प्रोग्राम होते हैं क्या उनके नाम से? नहीं, मध्य प्रदेश में तो सिर्फ शरद शर्मा जी करते हैं, भैया भी करते हैं, उनके जन्मदिन पे एक बड़ा मुशायरा होता है। हमारा अलग है, पर ये जो इस तरह से करते हैं ये अलग है। बहुत बहुत बधाई। आप कार्यक्रम जो करवाते हैं हर साल, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दीजिए। देखिए, मैं वैसे तो इस देश में सबसे पहले राष्ट्रीय नाट्य समारोह की शुरुआत अभिनव रंग मंडल, मैं उसका सूत्रधार हूँ। जाहिर है कि वो अभिनव रंग मंडल और शरद शर्मा एक दूसरे से प्रयास है। अर्जुन सिंह जी के प्रति मेरा जो आदर, सम्मान और श्रद्धा है, वो इसलिए नहीं कि वो एक राजनेता थे। उनके प्रति आदर होने का कारण है संस्कृति के क्षेत्र में उनके द्वारा दिया गया योगदान। आई डोंट थिंक के नेहरू जी और मौलाना आज़ाद, मतलब इस देश में शुरुआत जो की थी पंडित नेहरू ने, इस देश में सब दूर रविंद्र भवन कलाकारों के लिए बनवाए थे। मौलाना आज़ाद ने अकेडमियाँ बनवाई दिल्ली में, लेकिन अर्जुन सिंह जी ने न सिर्फ अकेडमियाँ बनवाई, भारत भवन जिसको श्रीमती गांधी ने देश की राजधानी कहा था, अलावा इसके ढेर सारे सांस्कृतिक संस्थान बना, ढेर सारे पुरस्कार बना, ढेर सारी पत्रिकाएं निकली, ढेर सारी संस्थाएं बनी। और ऐसा कोई काम नहीं है संस्कृति के क्षेत्र में, चाहे वो संगीत का हो, नृत्य का हो, और नाटक का हो, पेंटिंग का हो, लोक कलाओं का हो, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिली। मध्य प्रदेश इस देश का अगर मॉडल राज्य बन सका कला के क्षेत्र में, तो वो अर्जुन सिंह जी की वजह से। और यही कारण है कि उनके सम्मान में, उनके आदर में ये समारोह करता है। लगातार कितने वर्षों से आप ये समारोह करते आ रहे हैं? देखिए, मैंने एक तो दाऊ साहब के जीवन काल में एक किया था, अर्जुन सिंह संस्कृति पसंद, उनकी डेथ के बाद मैं 2012 से ये कर रहा हूँ। और मैं इसके लिए किसी के पास चंदा मांगने नहीं जाता, ना किसी राजनेता के पास, ना किसी शहर में या किसी अधिकारी के पास।
बस मेरी उनके प्रति आदर और भक्ति है वो मैं व्यक्त करता हूँ। आज कार्यक्रम का विषय क्या था आज का, किस उस पर प्रस्तुति थी? ये नाटक का डायरेक्टर बताएगा मेरे अलावा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरा नाटक होगा 24 तारीख। ये कृष्णा सोबती जी की एक कहानी है, एक माँ और एक बेटी एक कक्ष में है और माँ को मालूम है कि वो जा रही है, लेकिन जैसे हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है वही चिंता माँ की भी है। ठीक, ओके, थैंक यू।